आज मैं आपको लेके आ गई इंदौर के शराफा बाजार में, और यहाँ पे मैं आपको खरबूजे का पंच दिखाने वाली हूँ, जिसको बनाने का तरीका जितना ज्यादा मजेदार है, इसका स्वाद भी उतना ही बेहतरीन है। सर अपना नाम बता दीजिए। वीरेंद्र गोयल, माही फूड्स। माही फूड्स में क्या क्या मिलता है? माही फूड्स में मस्कमेलन पंच है, गोवा पंच है, भुट्टे का किस है। मुझे बताइए होता क्या है फ्रूट पंच? फ्रूट पंच इसके अंदर हम दीदी इसको ऊपर से कट करके फिर इसको अंदर से पूरा क्लीन कर ले, फिर इसके अंदर आपको बना के देंगे, तो आपको इसको पीना भी और खाना भी। इसमें इसका मेलन का शेक है, साथ में पल्व भी रहेगा। अलग से हम इसमें आइसक्रीम डालते हैं, रबड़ी डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, टूटी फूटी चेरी, रोज सिरप। तो मुझे बताइए जो इसका सिरप होता है इसमें क्या क्या मिलाते हो आप? नेचुरल, इसमें आइस और शुगर बस, बाकी फिर सब हमारे बात का कमाल है। तो बताइए बहुत दूर दूर से भी आते हैं लोग इसे खाने के? बिल्कुल, इवन उनके गेस्ट उनको ले लेके आते हैं या रेफरेंस देते हैं कि वहाँ जाओ। पहले कपल आए बॉम्बे से थे, वो उनके कहीं वगैरह खा के गए होंगे, तो स्पेशली बोला तो वो गोवा पंचोरी खाना है। लास्ट ईयर हमने स्टार्टिंग ही किया था सिर्फ मस्कमेलन से, इस साल फिर हमने इसमें साथ में गोवा ऐड कर लिया अभी ठंड में। अब वाटरमेलन, पाइनएप्पल वगैरह, अब समर गर्मी का सीजन आ गया था, वो फ्रूट्स इसमें बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब ये गोवा का लास्ट वो चल रहा है। इसको पूरा क्लीन कर लिया अंदर, अब इसके अंदर इसका पल बढ़ा लेंगे। तो छोटे छोटे पीसेस में इसको काटा जा रहा है? जी हाँ, एकदम फ्रेश, जो अभी निकाला उसी में बचे हुए का उसका जूस बनेगा। अब इसका बनाएंगे जूस। अब इसमें क्या डाल रहा है? शुगर, हल्का सा टेस्ट अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इस पे आइस डाल दी गई है, इसके अंदर पल्व के अंदर डालेंगे, ठीक है, ताकि आपको लास्ट तक चिल्ड रखे। इसका बनेगा शेक, अंदर के लिए जो भी इसका सिरप रहेगा उसकी तैयारी हो रही है। हाँ जी, तो भैया इसमें दूध भी डालना था? ये नेचुरल है, नेचुरल है। तो बनके तैयार हो गया? जी हाँ, अब इसका शेक तैयार है। अब इसमें आइसक्रीम वगैरह दूसरी चीज ऐड होगी, तो बिल्कुल ही अलग आइटम बनने वाली है आज। बिल्कुल। तो आपने बनाना किससे सीखा है? एक्चुअली हम बॉम्बे गए थे, वहाँ खा के आए थे हाजी अली को, पर वहाँ पे सिर्फ इसमें वाटर मेलन में, मस्क मेलन में, इसमें इसके शेक के साथ अमूल क्रीम देते थे। यहाँ आके हमने फिर हमारा इंदौरी दिमाग लगाया। तो देख सकते हो इसमें चेरी डल गई, अरे वाह। और ये डल गया इसमें खूब सारे किशमिश, बादाम भी, बादाम से इसको गार्निश कर दिया गया। यार दुखने में इतना ज्यादा मजेदार लग रहा है। वाह, काजू तो इसको ओवरलोड करके बनाया जा रहा है। और ये इसमें क्या डल गया? रोज सिरप। रोज सिरप, पहले स्ट्रॉ से पीना है, फिर स्पून से मिक्स करके खाइए। मैं आ गई इंदौर के माही फूड्स पर, और यहाँ पे बहुत ही मजेदार वाले फ्रूट पंच मिलते हैं। मस्कमेलन का पंच मिलता है और गावा का पंच मिलता है। गावा का पंच बनाने का तरीका बिल्कुल मजेदार है, बहुत ही नेचुरल तरीके से बनाया गया। इसके अंदर आइसक्रीम डली, ऊपर से ड्राई फ्रूट डाला गया, सब कुछ ओवरलोडेड डाला गया। मुझे ये देखने में बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है। और गाइस, इसको यूट्यूब की वीडियो से मैंने देखा था, तभी जब मैंने सोच लिया था कि यार इंदौर जाके मुझे ये जरूर ट्राई करना है, क्योंकि दिखने में इतनी ज्यादा मजेदार लगता है। जिसको फ्रूट पसंद है ना, उसके लिए तो अलग ही चीज है। तो मैं इसको टेस्ट करके बता दूं इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे अंदर जो है आइसक्रीम भरी हुई है, और उसके ऊपर पूरा के पूरे ड्राई फ्रूट ओवरलोडेड करके लगा दिए हैं, बीच में चेरी लगा दी है। इसको टेस्ट करके बताती हूँ। इसको मैंने पिया, पीने के अलावा आप इसे खा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी आइसक्रीम डली हुई है। इसका टेस्ट मुझे बहुत ज्यादा मजेदार लगा। मुझे इसके टेस्ट में सबसे अच्छी चीज इसके अंदर जो पल्प था वो बहुत टेस्टी लगा। आइसक्रीम के साथ कॉम्बिनेशन बहुत मजेदार है, और ऊपर से जो सारी चीजें डाली गई है ना, वो इसको और मजेदार बना रही है। एक बार अपना एड्रेस और टाइमिंग बता दीजिए। छोटा सराफा, माही फूड, पराठा गली, 9 बजे से रात 2 बजे। 150 रुपए में ये मस्कमेलन का पंच बिल्कुल टोटल वर्थ है। मैं इसे यहाँ पे एंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर खुश रहे तो खाते रहिए, और इसे जरूर ट्राई करना, मस्त चीज है।